हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। मनप्पुरम फाइनेंस के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, और उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पे स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से हमको यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। लेकिन अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.79% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से और गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 147 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 142, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 135, एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन अभी 126 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वही यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 151 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 156, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक है 162, और अगर स्टॉक ने यहाँ पे इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक है अगेन 172, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक है 180, और अगर स्टॉक ने यहाँ पे इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 190, इसके बाद हमको यहाँ पे स्टॉक में 200 और 210 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।